Hello students, today we will be solving a problem of class 10th chemistry periodic classification of an elements. The question says select the correct order of acidic strength of oxides SiO2 which is less than P4O10 which is less than SO3 which is less than Cl2O7 first option. Second option is Na2O less than MgO less than SO2 less than SO3. Third option is CO2 less than N2O5 less than SO3 less than Cl2O7 एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। हमें ये पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले तो हम ये काम करेंगे कि जितने भी ऑप्शंस हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं। SiO2 which is less than P4O10 which is less than SO2 which is less than Cl2O7 पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है हमारा Na2O which is less than MgO which is less than SO2 which is less than SO3 और तीसरा ऑप्शन जो है वो है CO2 which is less than N2O5 which is less than SO3 which is less than Cl2O7 और चौथा ऑप्शन हमारा all of these है। तो इन सब में हम क्या करेंगे, इन सब में सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 आएगा, फॉस्फोरस का यहाँ पे +5 आएगा, सल्फर का यहाँ पे क्योंकि ये SO3 है तो सल्फर का यहाँ पे +6 आएगा और क्लोरीन के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +7 आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि SiO2 से Cl2O7 तक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अभी तक। सेकेंड ऑप्शन भी चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर SO2 में +4 और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर SO3 में +6। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी आपका जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड है। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन में कार्बन के पास +4 ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन के पास +5 ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर +6 और क्लोरीन +7। तो फोर्थ ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट ऑर्डर में पूरा अरेंज्ड है, मतलब तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्टली अरेंज्ड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब क्या हुआ कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर watching the video. Subscribe to our YouTube channel.